सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल बबल स्वागत है गाइस। बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मैं हाफ ईयरली में फेल हो गया, तो सर क्या हाफ ईयरली के मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ऐड होते हैं? सर मेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? सर मेरे को आगे फ्यूचर में एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा? बहुत सारे बच्चों को हाफ ईयरली का रिजल्ट आया क्लास टेंथ के ट्वेल्थ वालों का, तो बच्चे मेरे से लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहे। तो गाइस आपको इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बट उससे पहले मैं सभी को आपके एक पुराने क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि सर कौन सी बुक खरीदे। देखो यार, आप लोग फेल हुए तो इसका मतलब आपको पढ़ाई करनी अभी तक सही तरीके से आई नहीं। आपको ये नहीं पता कि पढ़ना क्या है। आपने पढ़ाई करी होगी लेकिन आपने जो पढ़ा होगा वो पेपर में आया ही नहीं होगा, क्योंकि आपको एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम में पढ़ते कैसे वो आपको समझ नहीं आया। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी तो आपको ये बुक खरीदनी चाहिए। एक ही बुक के अंदर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। सेम बुक क्लास टेंथ के लिए अवेलेबल है, सेम बुक क्लास ट्वेल्थ के लिए अवेलेबल है। ये बुक सबसे ज़्यादा फेमस है हमारे आसपास के जितने भी टॉप स्कूल है वहाँ पर ये बुक अवेलेबल है हर एक बच्चे के पास में, और जितने भी आसपास के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर मैंने बुक देखी। मैंने उनसे पूछा कि बुक आपने क्यों खरीदी, तो उन्होंने बोला कि इस बुक का कंटेंट अच्छा है, एक बुक खरीदो सारे सब्जेक्ट का काम हो जाता है, मतलब सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में मिल जाते हैं, सबसे अच्छा मटेरियल है और साथ में जो उसका प्राइस रखा है वो बहुत रीजनेबल है, तो बहुत अच्छा मटेरियल है, जा सोचो मत, लिंक डिस्क्रिप्शन में खरीद लो। मैं आपको थोड़ा बुक को अंदर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर आपको मिल रहा है ये आपका हो जाता है इंग्लिश सब्जेक्ट, उसके बाद में इसी तरीके से हिंदी हो जाएगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगी तो ये मैथ आ जाएगा, फिर आगे ये मैथ, ये साइंस, ये SST, मतलब सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। और इसका जो कंटेंट है, जो बुक के क्वेश्चंस का लेवल है, बिल्कुल प्रॉपरली सेट किया गया है, जैसा बोर्ड एग्जाम आएगा वैसा मटेरियल है। तो जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में खरीद लो। अब बात करते हैं जो बच्चे हाफ ईयरली में फेल, उनको कोई दिक्कत होने वाली है फ्यूचर में? तो मैं आपको एकदम सच बताऊँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक बात बोलूँगा यहाँ पर, अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। को ना एडमिट कार्ड लेने में कोई दिक्कत होगी, नहीं आपके जो मार्क्स है वो बोर्ड एग्जाम में ऐड होंगे, लेकिन अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, वरना आने वाले टाइम के अंदर आपको दिक्कत आने वाली है। क्योंकि अभी तो पूरा महीना नवंबर, दिवाली में निकल जाएगा, दिसंबर आएगा, पता ही लगेगा कैसे खत्म हो जाएगा, जनवरी के अंदर आपके प्री बोर्ड होंगे। तो अब टाइम बचा ही नहीं, अगर आपने अभी से पढ़ाई करनी स्टार्ट नहीं करी ना तो बहुत लेट हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी, बोर्ड एग्जाम बहुत जल्द आने वाले हैं। तो आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, मतलब दिवाली खत्म हो उसके बाद में स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना, वरना मैं बोलूँगा दिवाली से ही पहले, क्यों आज से ही एक अपना प्लान तो रेडी कर लो कि मेरे कौन से चैप्टर रहते हैं, कौन से मेरे को कब करने हैं, ये तो आज से स्टार्ट करो। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा दिवाली के बाद से करना, तो फिर दिवाली के बाद का आप सोचोगे दिसंबर से करता हूँ, फिर दिसंबर आ जाएगा, फिर सोचोगे जनवरी से करता हूँ, फिर कब पढ़ ही नहीं पाओगे। तो बेस्ट है आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। थोड़ा आप में से बहुत सारे बच्चे सोचे कि टेंशन दे दी भैया आपने, अब मेरे को टेंशन हो रही है, टेंशन मत लो, पढ़ो टेंशन फ्री, लेकिन थोड़ी टेंशन लेनी जरूरी है, वरना आप लोग बहुत केयरलेस हो जाओगे, उसकी वजह से आप फेल भी हो सकते हो। तो आप सभी का जो क्वेश्चन था कि हाफ ईयरली के मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ऐड होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते, आपके जो मार्क्स है वो हाफ ईयरली के बोर्ड एग्जाम ऐड नहीं होंगे, और ना ही आपको कोई दिक्कत होगी। बस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए था, आपने दे दी पेपर, कोई बात नहीं, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो अब वापस तैयारी करो, अच्छे तरीके से करो, और इस बार ऑल इन वन गाइड बुक का यूज़ करना, ओसवा गुरुकुल की, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से खरीद लो, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, और इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे हर जगह अवेलेबल है, जा सोचो मत, जल्दी जाके खरीद लो। बाकी इस तरीके से आपको हमारे चैनल पे सभी CBSE अपडेट इसी तरीके से मिलते रहेंगे। जल्द मुलाकात करेंगे दूसरी वीडियो, तब तक देखते हमारे चैनल जीपी एडवाइस को। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।